ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, मेरा नाम है श्वेता, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज प्लीज़, सबसे पहले मैं आप लोगों से जो है माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम से जो है अपने श्वेता व्लॉग्स पर जो है वीडियोज़ पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। गाइज सेवरल रीजन्स हैं जिस वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। मैं किसी और दिन आपके साथ डिस्कस करूँगी वो सब बातें, बट फिलहाल जो है मैं आज की जो वीडियो है, आई होप आप लोग को अच्छी लगे। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की वीडियो है, मैंने इस तरह की वीडियो अपने दूसरे चैनल यानी कि मैं श्वेता पे भी नहीं की है, मैंने कभी भी फेस पेंटिंग या फिर मेकअप को यूज़ करके कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स या कुछ फ्लैग्स वगैरह कभी भी ड्रॉ नहीं किया है। दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू फॉर मी और मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना, बिकॉज मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, सब लोग। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच जो है चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में क्रेज़ है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जो है आप लोगों को सपोर्ट करूँ। मैं हालांकि ज़्यादा क्रिकेट मुझे पसंद नहीं है, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं बहुत बड़े फ़ैन हैं क्रिकेट के, और बहुत ज़्यादा ये जो है हाइप है आजकल, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दूँ इस एक्साइटमेंट। जो है मैं आज की वीडियो में फ्लैग्स बनाने वाली हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अपने फेस पर, और मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूँ गाइज, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यू नो फेस पेंटिंग आर्टिस्ट, या फिर मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ें ट्राई नहीं की हैं अपने ऊपर, तो दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू फॉर मी। सो ओके गाइज, मैंने जो है फ़ोटो सेव कर ली है पाकिस्तान के फ्लैग की, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि उसको मैं किस तरह से ड्रॉ करूँगी, तो लेकिन इंडियन फ्लैग जो है मुझे लग रहा है काफ़ी ईजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू द अदर फ्लैग, बिकॉज उसमें जो है प्रॉपर कलर्स के जो है मुझे लाइन्स बनानी होंगी, और सिर्फ जो चक्रा होता है बीच में उसको बनाने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो मैं सोच रही हूँ पहले ईजी फ्लैग से मैं जो है स्टार्ट करूँ। ओह माय गॉड, आई एम रियली स्केयर्ड बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रहा है। पहले मैंने सोचा था मैं आई मेकअप करूँगी, बट आई मेकअप बहुत ही कॉमन है, तो मैंने सोचा अपने फेस पर फ्लैग बनाती हूँ। अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी, ऐसे कैजुअल वे में नहीं। तो मुझे जो है, मेरे पास ऑरेंज कलर का ये है पेंट पॉट, तो मैं सबसे पहले इसी से स्टार्ट करती हूँ, लेट्स सी क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हो मैं जो है सबसे पहले नई लाइन बना ली है। मैं चाह रही हूँ कि मुझे जो है इनको हटाना ना पड़े, मैं एक ही बारी में जो है परफेक्ट चीज़ अचीव कर लूँ, बिकॉज अदरवाइज सारा मेकअप मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। अब जो है मुझे बनाना है ग्रीन पोर्शन, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये लाइनर, और देखते हैं। Guys, I hope you can see, मुझे थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करना चाहिए या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आता है बहुत ज्यादा ट्रिकी पार्ट जो कि है चक्र। अब उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि जो है एक ब्लू जो है लाइनर से पहले बना लूँ। आई थिंक दिस इज फाइन, इतना फाइन है, बिकॉज चक्रा बनाना बहुत मुश्किल था, बिकॉज स्पेस बहुत ही कम रह गई थी, पता नहीं कैसे बना पाऊंगी क्योंकि मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया है पाकिस्तान का फ्लैग बनाना। This is the white border. पहले मैं borders बनाऊंगी, because उसमें जो है मुझे एक half moon और star बनाना है, और जो कि बहुत ज़्यादा complicated हो जाएगा, तो मैं पहले borders बना देती हूँ। मुझे लग रहा है डर, because मुझे जो है बनाना है half moon और star। Guys now please excuse me, मुझे बहुत डर लग रहा है इस चीज़ के लिए, because
एक तो इसकी फाइन टिप नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक है ऊपर से. बट अभी मुझे बनाना है स्टार, जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है. एंड एंड आई नो मैंने बहुत ही घटिया काम किया है. दिस इज नॉट इवन लुकिंग लाइक अ स्टार. व्हाट हैव आई डन. मैं ट्राई करती हूँ, अगर इसमें व्हाइट फिल करके काम चल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे फिर से बनाना पड़ेगा. Okay, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है. Now this one is really difficult, guys. It's really, really difficult. Like finally, okay. And I'm really happy. मैंने ये अचीव किया है. मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था. मैं बहुत खुश हूँ. और आप लोग बताओ कैसा लग रहा है. आई नो ये जो मून है उतना अच्छा मैं से जस्टिफाई नहीं कर पाई हूँ, बट मेरे पास जितने भी ब्रशेज और प्रोडक्ट्स थे उनको यूज़ करके दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई कैन अचीव. ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए किया है जिन लोगों को क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है, जो बहुत बड़े फ़ैन हैं क्रिकेट के. और आप लोगों के लिए जो कि अभी इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो टू नो कौन जीता है कौन नहीं. तो गाइज दिस वॉज माई टेक ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच. और आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो. मैं जल्द ही मिलती हूँ आप सबसे अपनी अगली वीडियो में. सो गाइज आप लोगों में से कितने लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर और कौन जीतता है कौन नहीं, तो नीचे कॉमेंट ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना जो भी आप लोगों की तरह बहुत बड़े फ़ैन है क्रिकेट के और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए. उन सब के साथ आप ज़रूर ही मेरी वीडियो शेयर करना. मैं मिलती हूँ आप सबसे जल्द ही अपनी अगली वीडियो में. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम मी, दिस इज़ मी श्वेता साइनिंग ऑफ. बाय बाय. सारी दुनिया से जाए हम तो यारा टकरा. मौका मौका.